अर्ली मॉर्निंग निकलना कुछ अलग ही एहसास होता है। तो अभी हम अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे और अर्ली मॉर्निंग का बेनिफिट ये है कि ट्रैफिक नहीं लगता और गणपति बाप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। तो अभी हो रहा है अंधेरा और बज रहे हैं 4:30 और कुछ ही देर में हो जाएगा उजाला, और उजाला होने से पहले हमें घर पहुंचना है क्योंकि कैसे है बाद में धूप में बहुत तकलीफ हो जाती है। ए चेन्नई का प्लेयर है और आरसीबी की जर्सी। बहुत लेट किया आपने पुणे साहेब, क्यों ऐसा? सुबह में कौन सा ट्रैफिक? अभी हम नाश्ता करने हैं यहाँ से, चेक पॉइंट 1 हो गया हमारा। ये था हमारा चेक पॉइंट 3 खड़कवासला डैम। अभी थोड़ा यहाँ मस्त सनराइज देखने का मन है, लेकिन सनराइज तो फोर्ट पे और अच्छा दिखेगा, इसलिए हमारा डेस्टिनेशन आफ्टर 3 चेक पॉइंट्स। तो अभी यहाँ बहुत फॉग है, आपको ऐसा लगेगा नहीं कि ऑलमोस्ट रेनी सीजन आ गया, रेनी सीजन स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर हम वेदर देख सकते हैं, पीछे बहुत सारा फॉग ही है, काफ़ी ठंड है यहाँ ऊपर। मैंने सोचा नहीं था जितना नीचे गर्मी है वैसे ही ज़्यादा ठंडी है यहाँ। विंड बहुत चल रहा है, तो अभी हम निकलते हैं यहाँ से, हमें जाना है ऊपर। तो अभी हम पहुँच गए फोर्ट के पहला दरवाज़ा, ये है पुणे दरवाज़ा, यहाँ लिखा है इंफॉर्मेशन। ये है दूसरा दरवाज़ा, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो है समाधि। तो अभी हम अंदर चलते हैं, ये ओरिजिनल तलवार है, देखेंगे। और ये लास्ट मोमेंट था उनका, जब हाथ टूटने के बाद, यानी आप देख सकते हैं हाथ टूटने के बाद भी वो हाथ को वो कपड़ा बांध के युद्ध कर रहे थे अपने हाथ की दम तक। और यहाँ पर दिखाया गया वो किला कैसे चढ़े, किला बहुत ऊपर है। वो टाइम पे मावले महाराज कैसे आते थे ये फोर्ट पे, और ये फोर्ट की हिस्ट्री आप सबको पता ही होगी। ये है तोपखाना, यहाँ है जो वो तोपे रखे। जैसे आप किला, जैसे आप आपका घर साफ सुथरा रखते हैं वैसे ये हमारा फोर्ट है, ये हमारा, ये जरूरी है। तो देखो यहाँ पर घोड़े बांधे जाते थे, ये है घोड़े को पानी पिलाते थे, शायद थोड़ा अंधेरे में दिख नहीं पा रहा होगा, कुछ अपॉर्चुनिटी मिले या लोग कहे कि आप बैक टाइम में कहाँ जाना चाहते हो, तो मैं कहूँगा छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पे हम पीछे जाना चाहते हैं और महाराज का संघर्ष जो था वो देखना चाहते हैं, यही हमारी इच्छा होगी।
आहे दुर्बीन त्या काळातली. इथून डायरेक्टली शत्रू येताना दिसतो. यहां से आप देख सकते हैं, तुम्ही बघू शकता हवा पण किती येत आहे. तर इथून डायरेक्टली तुम्ही शत्रू डायरेक्टली कळतो, शत्रू दिसतो काय काय. ये जो है ये फोर्ट के मेन पॉइंट्स है. यहाँ से तानाजी ऊपर आए थे, वहाँ पर उदयभान को मार दिया था और ये फोर्ट जो था तानाजी ने जीता था. ये देखो यहाँ पे इधर कई लोग बसते हैं. योद्धा यहाँ पर है. ये सब अपने ही गाँव के. अरे भाई किधर है तू? कचरा विचरा उठाने ऑफिस नहीं आता, लेकिन कचरा उठाने पहले है. तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा, जब भी आप घूमने जाते हो कहीं भी तो एक छोटा सा बैग कैरी कीजिए, जहां आपका जो वेस्ट होगा वो डाल सके. गढ़ किलों पे, रस्तों पे कचरा ना फेंकिए, जिससे आपको, हमको और अपने आने वाले फ्यूचर को जिससे कचरे से प्रॉब्लम हो वो कचरा ना फैलाए. समाधि यहीं बांधी गई है, के एकदम कॉर्नर एंड में है ये. और यहाँ पर ही उनको मारा गया था तानाजी मालुसरे जी ने. तो यही जगह, यहाँ कुछ लगाया बोर्ड कुछ नहीं है. तो वो है जब मालुसरे युद्ध कर रहे थे मालुसरे जी, और लड़ते लड़ते जब उनका एक हाथ टूट गया तो वो इस लोकेशन पे था. और आप सोच सकते हैं यहाँ से वो एक हाथ लेके इतना युद्ध कर रहे थे. मूवी में आपने देखा होगा तानाजी ने अजय देवगन के, कि उनकी बेटी बेटे की शादी थी, तो वो क्या कहते हैं कि लग्न अंतर गढ़ आदि, मतलब वो महाराज को और मराठा को आगे रखते थे, अपनी फैमिली को बाद में रखते थे. लेकिन ये इस टाकी का ये महत्व है कि यहाँ 12 ही महीने पानी रहता है, कभी पानी खत्म नहीं होता. ये आपको दिख रहा होगा बहुत छोटा, लेकिन ये है छोटा नहीं. और I have studied